हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोस एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए अपडेट लेके आया हूँ जो गोदरेज का सेक्टर 89 के अंदर जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को प्लीज इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोज मैं लगातार लेके आता रहता हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे सही बिल्डर के साथ सही लोकेशन पे सही प्रॉपर्टीज में एंटर करने के अंदर और एग्जिट करने के अंदर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको भी रीसेंट एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। अभी आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर अबाउट की जो अभी रिसेंट लॉन्च आया था सिग्नेचर ग्लोबल का सेक्टर 37D के अंदर, तो वहां पे लगभग 1000 फ्लैट थे और लगभग 4500 के आसपास एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए थे फॉर 1000 अपार्टमेंट्स, और बहुत सारे लोगों को यूनिट्स मिली बट बहुत सारे लोगों को यूनिट्स नहीं मिली। कुछ लोगों को छोटी यूनिट चाहिए थी, उनको बड़े यूनिट्स का ऑफर हुआ, तो कुछ लोग ले पाए कुछ लोग नहीं ले पाए, तो बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट भी हुए। और यू नो मैं हमेशा जब भी कहता हूँ कि अगर आप राइट टाइम पे अगर आप अपना चेक देते हैं, ईओआईज देते हैं, तो डेफिनेटली ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको जो आपकी डिजायर्ड यूनिट है वो मिलेगी। और अगर आप थोड़ा सा बातें इग्नोर कर देते हैं और लेट चेक देते हैं तो बहुत बार आपको डिजायर्ड यूनिट्स नहीं मिल पाते। तो यहाँ पे भी अभी यही होने वाला है जो सेक्टर 89 के अंदर नया लॉन्च आ रहा है गोदरेज का। तो और गोदरेज की भी अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले जब यू नो इनका लॉन्च आया था सेक्टर 49 के अंदर, तो आई थिंक जो एक वीडियो काफी वायरल हुई थी जहाँ पे रात को यू नो 3-4 बजे के आसपास लोग लगने शुरू हो गए थे और 1.5-2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी गोल्फ कोर्स रोड पे। तो अभी भी जब ये सेक्टर 89 वाला प्रोजेक्ट आएगा तो सिमिलर आउटकम हो रहने वाला है। सो मेक श्योर अगर आप इस यू नो प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एक अच्छा खासा यू नो आरओआई लेके आना चाहते हैं, अगर अच्छा ब्रांड चाहते हैं लाइक गोदरेज, अच्छी लोकेशन चाहते हैं लाइक सेक्टर 89 जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे है जिसकी कनेक्टिविटी यू नो काफी अच्छी है NH8 से, द्वारका एक्सप्रेस वे से, KMP एक्सप्रेस वे से, NH8 से। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे जो एक ब्रांड है गोदरेज जिसका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि इनकी प्रॉपर्टी जो वो टाइमली यू नो डिलीवर हो जाएंगी, जो चीजें प्रॉमिस कर रहे हैं वो चीजें मिल जाएंगी, तो उस एंगल से अगर आप देखो तो अगर आप राइट टाइम पे अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, अगर अभी भी आप अपना ईओआई देना चाहते हो तो ऊपर या नीचे दिए नंबर पे यू नो कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमारी टीम को, दे विल असिस्ट यू कि किस टाइप से आपको चेक देना है और किस तरीके से आपको ऑलमोस्ट यू नो ज्यादा श्योरिटी के साथ ज्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ यूनिट मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनना तो डेफिनेटली यू कैन यू नो कॉल और व्हाट्सएप इनटू दिस नंबर्स। प्लस यहाँ पे जो थीम आ रही है वो काफी यू नो यूनिक आ रही है, तो जो इससे पहले सेक्टर 49 में था तो वहाँ पे फॉरेस्ट की थीम थी, तो यहाँ पे हेल्थ की थीम आ रही है, यहाँ पे वेलनेस की थीम आ रही है, तो यहाँ पे भी यू नो काफी अच्छा ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। और लोकेशन जैसा मैंने आपको बताया सेक्टर 89 के अंदर है, काफी सही है। और इसके अंदर यू नो मोस्टली जो भी नए लॉन्चेस आ रहे हैं वहाँ पे 2 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी, मोस्टली 3 और 4 और इवन 5 बेडरूम के लोग कॉन्फ़िगरेशंस लेके आ रहे हैं या फिर बड़े साइजेस लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे गोदरेज के अंदर 89 के अंदर जो आपको यू नो साइज मिल रहा है वो आपको 2 बेडरूम का भी मिल रहा है, जिसकी डिमांड अगेन सबसे ज्यादा रहने वाली और जल्दी ही वो सोल्ड आउट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी यूनिट्स पसंद होती है, सो दैट वो कल को लिक्विडेट इजीली हो जाए। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा साइज आ रहा है 1250 स्क्वायर फीट के आसपास आ रहा है, तो उससे बड़ा साइज 3BHK 1750 स्क्वायर फीट है, फिर आपका 3BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर जो है वो 2400 स्क्वायर फीट है, फिर 4BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 2700 स्क्वायर फीट, और 4BHK प्लस सर्वेंट जो एक्सेल साइज है वो 3250 स्क्वायर फीट है। तो 1250 से लेके और लगभग 3200 स्क्वायर फीट तक के यू नो यहाँ पे साइज है, और यू नो काफी अच्छा खासा क्लब रहने वाला है, प्लस मल्टीपल एमिनिटीज रहेगी, 2 स्विमिंग पूल रहेंगे, एक किड्स के लिए स्विमिंग पूल रहेगा डेडिकेटेडली, और ओलंपिक का साइज का यू नो यहाँ पे स्विमिंग पूल आ रहा है, प्लस मल्टी डायमेंशनल वेलबींग के ऊपर ये यू नो थीम है, प्लस इसके अलावा ओपन गार्ड थिएटर है, और काफी अच्छा यू नो मीडियम डेंसिटी का प्रोजेक्ट है, प्लस इसके अंदर कुछ यू नो मंथली इनकम प्लान इंस्टॉलमेंट प्लान वाले भी कुछ ऑप्शंस आएंगे, तो वो भी अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो ऊपर या नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पे जो इसका यू नो टेंटेटिव प्राइस था जो एक्सपेक्टेड था वो लगभग 18 से 20 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास एक्सपेक्टेड था, बट गोइंग फॉरवर्ड जो डिमांड देखी मार्केट के अंदर और डिमांड सप्लाई देखी, रिस्पॉन्स देखा और कम्पिटेटिव मार्केट देखी और ओवरऑल सीनेरियोज देखे, तो उसके बाद जो टेंटेटिव रेट यहाँ पे निकल के आएगा वो लगभग 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास यू नो आने वाला है। तो आप इमेजिन कर सकते यहाँ पे
इस रेट के आसपास अगर आप देखेंगे तो जो कृषि है एक इनका कम्पिटेटिव प्रोडक्ट, तो वहां पे जो रेट है वो लगभग 21-22 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट आने वाला है। फिर अगर आप देखेंगे उसी के पास में आपका मैक्स का भी एक प्रोजेक्ट आएगा, वो 28-30 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास आने वाला है, और अडानी भी हायर प्राइस रेट पे लेके आएंगे चीजें। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो बहुत ही प्राइस एक रीजनेबल जस्टिफाइड प्राइस है 16 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास। और अभी आपने देखा होगा कि जो सिग्नेचर ग्लोबल है वो भी जिसकी लोकेशन थोड़ी सी अंदर जाके थी, वहां पे जो फाइनल प्राइस आया था उनका निकल के बोल 13 हजार रुपए रेट है, बट वो भी 14.5 हजार रुपए के आसपास रेट आ रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप सारी चीजें देखेंगे, ब्रांड साइज कन्फिग्रेशन एमिनिटीज फैसिलिटीज डेंसिटी, तो ये 16 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का प्राइस काफी हद तक जस्टिफाइबल है, जहाँ पे आपके पास चांसेस हैं आगे फर्दर प्रीमियम कमाने का। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनना चाहते हैं और हमारी एक प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के अंदर या फिर एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली आप इंडिया नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को, दे विल असिस्ट यू इन बेस्ट पॉसिबल वे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। जाते जाते रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है क्वेरी है सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, या फिर इंडिया नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं #GOD89 और इसको आप भेज सकते हैं 8858484084 पे। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया हो तो इसको प्लीज शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, सो दैट जो लोग भी यहाँ पे गोदरेज के नए लॉन्च के अंदर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर करना चाहते हैं तो उनकी एक हेल्प हो सके और मुझको एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग क्लियर। जाते जाते अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लियर, मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।